Hello dear students, welcome back. In the previous lecture, I have discussed in detail the real concept of PMI, that is Principle of Mathematical Induction. So, आज हम लोग इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पहले एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे. So guys, let's start with the question number first, which is 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square is equal to up to n square is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. So, ये आपका example number first है NCERT का. तो चलिए फिर देखिए, अगर आपने मुझे मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार आप जाके उसको देखना, उसके बाद आपको ये अच्छे से एकदम क्लियर होगा. ठीक है, तो जरा देखिए, मैंने आपको तीन स्टेप बताए थे करने को. सबसे पहले आपको ये प्रूव करना है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू वन. आफ्टर दैट यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के, वेयर के बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर. एंड इन द थर्ड स्टेप यू विल prove that this statement is true for the next consecutive natural number, that is k plus 1, and end mein aap result likh doge. Theek hai, so let's assume this is your pn, that is principal statement. First likhoge aap for n equal to 1, for n equal to 1 p1, to maine aapko bataya tha for n equals to 1 in the right hand side means you have to write the first term, and the first term will be 1 square, that is 1, and in the right hand side n equals to 1 means you have to simply put the value of n equal to 1. So 1 into 2 into 3 upon 6, and 6 upon 6, that is equal to 1, therefore which is true. Now let's assume PN, that is statement, is true for n equal to k. Is true for n equal to k. This is the symbol for where k कहाँ belong करेगा, where k belongs to natural number. हम k natural number क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपन को ये क्या prove करना है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ये प्रूव करना है तो मैं क्या के क्या मानूंगा, के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. सो दिस इज योर, इसका मैंने क्या नाम बताया था आपको, इंडक्टिव हाइपोथेसिस स्टेप. अब इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के, तो लेफ्ट हैंड साइड में एन इक्वल्स टू के का मतलब कि आपको क्या करना है, आपको n इक्वल्स, आपको फर्स्ट k टर्म्स लिखनी है मुझे, आपको फर्स्ट k टर्म्स लिखनी है. तो जरा यहां देखिए, आपका nth टर्म क्या है, कि nth टर्म मतलब आपकी जनरल टर्म क्या है, आपकी n स्क्वायर है. ये देखिए, ये मैं आपको रफली बता रहा हूं, है ना, रफ, दिस इज ओनली फॉर योर रफ वर्क. ठीक है, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग में हो तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप कैसे लिखोगे. जब आपकी भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी देन यू विल डायरेक्टली राइट दिस. क्लियर, क्लियर. आपकी जनरल टर्म क्या है, मेरी एन स्क्वायर है, तो यहां से आपकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, आपकी वन होगी. सेकंड टर्म क्या होगी, मेरी टू का स्क्वायर. थर्ड टर्म विल बी योर थ्री का स्क्वायर. सिमिलरली मेरी केथ टर्म क्या होगी, योर केथ टर्म विल बी के का स्क्वायर. क्लियर, और देखिए यहां पे जो सीरीज है उसमें क्या है, मेरा सम है ना, तो आपको क्या करना है, आपको इन सब टर्म्स का सम करना है. तो अब अगर मैं इन सब टर्म्स का सम करूंगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू के प्लस वन. एंड राइट हैंड साइड में तो मुझे सिंपली एन को के ही पुट करना होता है, तो के इंटू के प्लस वन इंटू टू के प्लस वन अपॉन सिक्स, है ना. अब देखो बच्चे,
अक्सर टीचर्स क्या बोलते हैं कि एन को आप के पुट कर लो, बट इट इज नॉट ट्रू। मैं भी बोल सकता हूँ कि आप क्या करो, एन इक्वल्स टू के लिए आपको वो पी के लिखना है आपको, तो आप क्या करो इसको एन को के पुट कर लो, बट वो रॉन्ग होती है आपकी, है ना। अब वी शैल नाउ ट्रू, वी शैल नाउ प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन। एन इक्वल टू के प्लस वन क्या आपका इसका नेक्स्ट कंजिक्यूटिव नंबर ही तो है, तो मैंने इसका अज्यूम कर लिया और आपको अब ये प्रूव करना है कि जो आपकी स्टेटमेंट है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इट्स नेक्स्ट कंजिक्यूटिव नंबर। क्लियर। अब देखिए एन इक्वल टू के प्लस वन का लेफ्ट हैंड साइड में मतलब क्या है, यू हैव टू राइट अप टू के प्लस वनथ टर्म। तो के प्लस वनथ टर्म लिखने का मतलब क्या है कि आपने जो भी एन केथ टर्म लिखी है ना ऊपर, जितने भी आपने के टर्म्स लिखी है ऊपर, उसको सम पहले वो लिख दो आप, पहले आपने वो लिख दी, ठीक है। एन इक्वल टू के प्लस वन का मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड में बता रहा हूं आपको कि आप क्या करो, पहले जितने भी आपने पहले वाले स्टेप में वन स्क्वायर से लेके के स्क्वायर फर्स्ट के टर्म्स लिखी है वो लिख दो, फिर एंड में आपका आपको क्या लिखनी है के प्लस वन टर्म लिखनी है ना, के प्लस वन टर्म लिखनी है, तो वो लिख दो आप। तो एन की जगह क्या कर दूंगा मैं, के प्लस वन का होल स्क्वायर। अच्छा नहीं समझेगा तो देखिए जरा इसको एक बार समझ लेते हैं ना। एन इक्वल टू के प्लस वन का मतलब यू हैव टू राइट अप टू के प्लस वन टर्म्स लिखनी है आपको, तो के प्लस वन टर्म का मतलब क्या है, अप टू के टर्म्स प्लस के प्लस वनथ टर्म, इसका मतलब यही तो है। तो अप टू के टर्म्स मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो वही किया है मैंने, अप टू के टर्म्स मैं ऑलरेडी लिख चुका था, अब मुझे क्या करना है के प्लस वनथ टर्म लिखनी है। क्लियर, के प्लस वन टर्म लिखनी है। अब आपका जनरल टर्म क्या है एन स्क्वायर, तो मेरी के प्लस वन टर्म कौन सी आ जाएगी, के प्लस वन का स्क्वायर, तो के प्लस वन का स्क्वायर। क्लियर, सो दिस इज योर स्टेप इक्वेशन वन। अब राइट हैंड साइड में क्या करता हूं, यू जस्ट हैव टू पुट एन इक्वल्स टू के प्लस वन इन द राइट हैंड साइड, तो के प्लस वन के प्लस टू बन जाएगा और ये टू इन टू के प्लस वन प्लस वन अपॉन सिक्स। राइट हैंड साइड में एन इक्वल टू के प्लस वन का मतलब आपको एन की जगह के प्लस वन रखना है, तो जरा इसको एक बार सोल्व कर लो, तो ये के प्लस वन के प्लस टू एंड टू के प्लस टू प्लस वन दैट इज टू के प्लस थ्री अपॉन सिक्स। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, आपको लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करना, यस। सो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या है, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर अप टू के स्क्वायर प्लस के प्लस वन स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में ये मेरा है। अब जरा देखिए सम ऑफ फर्स्ट के टर्म्स, इसकी वैल्यू आपको मालूम है फ्रॉम इक्वेशन वन, दिस होल क्वांटिटी इज इक्वल टू के इंटू के प्लस वन इंटू टू के प्लस वन अपॉन सिक्स, इसका सम आपको मालूम है ना फ्रॉम इक्वेशन वन, तो मैंने इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी। फिर आगे है आपका के प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखिए जरा, तो क्या मैं इन दोनों से के प्लस वन कॉमन निकाल सकता हूं, यस के प्लस वन मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहां मेरा अंदर रहेगा के इंटू टू के प्लस वन अपॉन सिक्स एंड यहां बचेगा आपका के प्लस वन, ठीक है। अब देखिए मेरे पास स्पेस की कमी है तो मैं इसको आगे लिख रहा हूं, तो के प्लस वन, अब आप क्या करो यहां पे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ये मैं ऊपर साथ में ओपन भी कर रहा हूं, तो टू के स्क्वायर प्लस के, अब आप इसका एलसीएम ले लो सिक्स के प्लस सिक्स अपॉन सिक्स, तो ये मेरा बन जाएगा के प्लस वन एंड टू के स्क्वायर प्लस सेवन के प्लस सिक्स अपॉन सिक्स। अब देखिए, अब एक बात यहां सुनिए, अब मुझे मेहनत नहीं करनी यहाँ पे, है ना, मुझे मेहनत नहीं करनी अब, तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैं थोड़ा सा अपना माइंड यूज करूंगा, क्योंकि देखिए
आपको जस्ट सिंपली ये प्रूव करना है ना, आपको ड्राइव नहीं करना, आपको ये प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ऑलरेडी वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मैं अपना माइंड यूज नहीं करूंगा। अब यहां देखिए आपका यहाँ क्या बन रहा है, के प्लस वन बन रहा है, तो मुझे राइट हैंड साइड में के प्लस वन है आपका, अपॉन सिक्स है, अपॉन सिक्स भी है। तो देखिए तो ये जो आपकी टर्म है 2k² प्लस 7k प्लस 6, इस टर्म की जगह आपका ये आया होगा के प्लस 2 इंटू 2 के प्लस 1 3 आया होगा, तभी तो ये मेरा इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। तो मैंने इसको सोल्व नहीं किया, मैंने थोड़ा अपना माइंड यूज करके किया कि देखिए दिस के प्लस 1 इज ये आपका इक्वल है। अब ये जो आपका है 2k² प्लस 7k प्लस 6, ये के प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 ही बनेगा, तभी तो ये मेरा इक्वल होगा ना। थोड़ा सा माइंड यूज करके मैंने अपनी कैलकुलेशन को कम कर लिया। ऐसा आप भी करोगे, सीख जाओगे आप भी करना, क्लियर है। अब देखो आपको अगर बहम हो रहा तो आप इसको अब इसको फैक्टर करके देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो, तो ये क्या बनेगा, देखो 2k² बनेगा, 2k² 3k प्लस 2k, 3k प्लस 4k 7k बनेगा, और 3 इंटू 2 6k, तो वही बात हो गई ना, होगी। तो मैंने थोड़ा सा अपना माइंड यूज किया, धीरे धीरे आप भी सीख जाओगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, इसका मतलब हेंस पी के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू, ये लिखना बहुत जरूरी है, वेन एवर पी के इज ट्रू, क्लियर है ना। क्योंकि आपने अज्यूम किया था कि जब पी के ट्रू है तभी तो आपका ये पी के प्लस वन ट्रू है, अदरवाइज ये ट्रू नहीं है, क्लियर। आपने अज्यूम किया तभी ये मेरा ट्रू है, तो ये कंडीशन लगी आपकी। तो लास्ट क्या लिखोगे लाइन आप, देयर फोर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट था। तो आपको ऐसे डील करना है, सबसे पहला काम एन इक्वल्स टू वन के लिए आपको प्रूव करो, फिर आप अज्यूम कर लो एन इक्वल्स टू के, फिर आप प्रूव कर दो दिस इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स के प्लस वन। प्रूव करने के लिए आपको वही बचपन वाला मेथड एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस करना है। यहां मैंने आपको थोड़ा सा एक ट्रिक बता दिया कि आप कैलकुलेशन से कैसे बचें। ये आपका एग्जाम्पल वन है। चलिए पहले एग्जाम्पल 3 करते हैं, उसके बाद अपन एग्जाम्पल 2 करेंगे, क्योंकि 2 में थोड़ा इनइक्वालिटी है तो उसको मैं डील करना भी बताऊंगा। पहले आप इक्वालिटी वाले पे थोड़ा एकदम परफेक्ट हो जाइए, ठीक है। जो एग्जाम्पल 3 देखिए, तो सबसे पहला काम आपका वही 4n=1। सबसे पहले आप यहाँ पे इसको अज्यूम कर लोगे दिस इज योर पी एन, दैट इज प्रिंसिपल स्टेटमेंट। तो अगर मैं पी वन लिखूं तो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या मतलब होता है एन इक्वल्स टू वन का, आपको फर्स्ट टर्म लिखनी है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म कितनी है मेरी, हाफ है। अब आप राइट हैंड साइड में क्या करते हो, एन इक्वल्स टू वन मतलब सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है, तो 1 + 1 तो 1/2 हो गया, देयर फोर विच इज ट्रू। विच इज ट्रू का मतलब क्या है कि पी वन आपका ट्रू है। अब क्या करोगे आप, अज्यूम कर लोगे, लेट्स अज्यूम, मैं लाइन नहीं लिख रहा हूं, लेट्स अज्यूम दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फॉर एन इक्वल टू के वेयर के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्लियर। अब आप लिखोगे तो एन इक्वल टू के कर लिखने का मतलब क्या है, आपको यू हैव टू राइट अप टू kth टर्म, आपको kth टर्म लिखनी है। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या बनेगी मेरी, 1 1 2 ये बनेगी, सेकेंड टर्म ये बनेगी। अब जरा आप भी लिखना सीखो डायरेक्ट, तो लास्ट kth टर्म क्या बनेगी मेरी, के इंटू के प्लस 1 बनेगी। और राइट हैंड साइड में क्या करता हूं मैं, के को सिंपली आपको पुट करना है, के इक्वल टू के प्लस 1, ठीक है। जरा एक इसको देख लो, एन इक्वल्स टू के का मतलब है कि आपको कहां तक लिखना है, आपको एन इक्वल्स टू के टर्म्स तक का लिखना है। तो यहाँ पे जो मेरी जनरल टर्म वो कितनी है, 1/(n)(n+1) है। तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, अगर मैं a1 लिखूँ तो वो होगी मेरी 1 × 1, तो यही लिखा है मैंने फर्स्ट टर्म, ठीक है। एन इक्वल्स टू 1 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म होता है, तो ए अप टू फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। तो a2 क्या होगा मेरा, 2 × 3 होगा, ऐसे ही
आपका के क्या होगा, kth टर्म क्या होगी मेरी, 1 अपॉन के इंटू के प्लस 1 होगी। अब क्योंकि ये सीरीज आपकी किस में, सम में है, तो मुझे इन सबको सम करना है, क्लियर है। तो इन सबको सम कर दिया तो मेरा आपका लेफ्ट हैंड साइड बन गया, एंड ये आपका राइट हैंड साइड में सिंपली आपको एन को के पुट करना है, क्लियर है। चलिए अब क्या करूंगा मैं, आगे लिखूंगा, नाउ वी शैल प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर के प्लस वन। तो आप के प्लस वन कैसे लिखते हो, के प्लस वन लिखने का मैंने आपको बताया ना, ये एज इट इज लिख दो आप, प्लस के प्लस वन एथ टर्म लिख दो, ठीक है। तो ये मैं एज इट इज लिख रहा हूं, ये मैंने एज इट लिख दिया, फिर प्लस कर दो आप इसका के प्लस वन एथ टर्म। तो ये मेरी जनरल टर्म है आपकी, वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन है, तो अगर मुझे के प्लस वन एथ टर्म लिखना है तो इसका मतलब मैं एन की जगह के प्लस वन रखूंगा, तो एन इंटू के प्लस वन, एंड ये आपका के प्लस टू बन जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आप एन की जगह के प्लस वन रख दो, तो ये आपका के प्लस टू हो जाएगा। सो दिस इज योर फर्स्ट, अब क्या करोगे आप इसको, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करोगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए इस सब का सम आपको ऑलरेडी मालूम है फ्रॉम फर्स्ट, क्या है मेरा के अपॉन के प्लस वन है, एंड दिस एज इट इज लिख रहा हूं मैं इसको, सो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां से मेरा कॉमन क्या आ रहा है, वन, मेरा वन अपॉन के प्लस वन मेरा कॉमन आ रहा है, तो अंदर रह रहा है मेरा के, और यहां से आपका के प्लस टू रह रहा है। अब क्या करूंगा मैं, यहां से के प्लस टू अगर मैं एलसीएम ले लूंगा, अगर मैं के प्लस टू एलसीएम ले लूंगा, तो ये मेरा बनेगा के इंटू के प्लस टू प्लस वन। अब देखिए स्पेस की कमी है इसलिए आगे लिख रहा हूं, तो ये इसको ओपन कर दो, तो ये मेरा बन जाएगा के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन अपॉन के प्लस टू। अब फिर से मैं अपना माइंड यूज करूंगा, देखिए हालांकि इसके तो आप फैक्टर इजीली बना पाओगे, बट मैं क्यों बनाऊं, मुझे मेहनत क्यों करनी, जितना कम हो सके मेहनत करनी चाहिए ना। तो देखिए फिर आपको राइट हैंड साइड में चाहिए के प्लस वन अपॉन के प्लस टू चाहिए, और मेरा यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है नीचे डिनोमिनेटर में के प्लस वन के प्लस टू, क्लियर है। तो आपको डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड में के प्लस टू चाहिए, मतलब कि ये तो मेरा कैंसिल होगा ही होगा, मुझे ये चाहिए नहीं, तो ये आपको कैंसिल होगा ही होगा, एंड आपको ऊपर क्या चाहिए के प्लस वन चाहिए, तो यहां पे इसका स्क्वायर बना होगा तभी तो ये मेरा बनेगा, तो एक से आपका कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू के प्लस वन अपॉन के प्लस टू। सो दिस इज हाउ यू परफॉर्म कैलकुलेशंस, इजी कैलकुलेशंस, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू आर एच लेफ्ट राइट हैंड साइड। तो यहां से क्या लिख दोगे फिर आप आगे, हेंस पी के प्लस वन इज ट्रू व्हेन पी के इज ट्रू, देयरफॉर बाय पी एम आई पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्लियर है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर थ्री है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर एग्जाम्पल नंबर फोर देखते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर फोर देखिए बच्चों, दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर, अभी आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें 24 क्वेश्चन है ना, तो वहां पे आपको और अच्छे से क्या बोलते हैं प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। अभी तो मैंने आपको दो एग्जाम्पल करवाए हैं ना, अभी एनसीईआरटी में आपके दो दो एग्जाम्पल इसके इस पर बेस्ड है, उसके बाद अपना एक नया है, ठीक है, नया तो कुछ नहीं है, बस इसी में बस एक नया वेरिएशन है। एक तो जो हमने अभी पढ़ा उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दूसरा इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको एंड में करवाऊंगा इनइक्वालिटी वाले, तो तीसरा जो टाइप है आपका वो देखिए, अब तीसरा और लास्ट टाइप ये है आपका, है ना, कि फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर प्रूव दैट 7n माइनस 3n इज
डिविजिबल बाय 4, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है, वही आपको जो सेम अभी तक करते आ रहे हो वही करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको पी एन लिखना होता है। तो मेरा पी एन क्या है, 7n-3n divisible by 4, तो 7n-3n इज डिविजिबल बाय 4, दिस इज योर प्रिंसिपल स्टेटमेंट। अब क्या करना है आपको, 4n = 1 करते हो आप, सेम वही करोगे, तो मेरा P1 क्या बन जाएगा फिर, 7 की पावर 1-3 की पावर 1, तो 7-3 = 4, तो 4 is divisible by 4, ऑब्वियस 4 is divisible by 4, सो विच इज ट्रू। चलिए इसके बाद आप क्या करते हो, लेट्स अज्यूम दिस स्टेटमेंट, या फिर इट इज ट्रू फॉर सम नेचुरल नंबर के, फॉर सम नेचुरल नंबर के, है ना। अब देखिए हर क्वेश्चन में अलग अलग टाइप से लैंग्वेज लिख रहा हूं, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो। मैंने कहीं कहीं लिखा है लेट्स अज्यूम इट इज ट्रू फॉर n = k where k belongs to natural number, यहां मैंने दूसरा लिख दिया है। सो दिस इज जस्ट अबाउट लैंग्वेज, है ना, मतलब सबका सेम ही रहता है। आपकी बुक में नेचुरल नंबर किस का लिखा है, पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है, तो ये सारी बातें सेम है, बस लैंग्वेज का फर्क है, ठीक है। तो अब जरा देखिए, लेट्स अज्यूम इट इज ट्रू फॉर सम नेचुरल नंबर k, तो ये मेरा बन जाएगा 7k-3k इज डिविजिबल बाय 4, सेम वही कर रहा हूं अभी तक, कुछ चेंज नहीं हुआ। अब जरा देखिए, तो ये आपकी इक्वेशन नहीं है, तो मुझे इसको अगर इक्वेशन बनाना है, तो जरा देखिए कोई नंबर देखो आप 32, कोई नंबर है आपका 32, अगर ये डिविजिबल बाय 4 है, इफ दिस इज डिविजिबल बाय 4, तो क्या मैं इसको 4 × 8 लिख सकता हूं। कोई दूसरा नंबर मानो 24, अगर ये डिविजिबल बाय 4 है, तो ये 4 × 6 = 12, 4 × 3। तो जरा देखिए कोई भी नंबर जो आपका 4 से डिविजिबल होगा, क्या वो इस फॉर्म में होगा क्या, कोई भी नंबर जो मेरा 4 से डिविजिबल होगा वो इस फॉर्म में होगा कि नहीं होगा। देखो 4 × 8, 4 × 6, 4 × 3, तो 4 × m होगा कि नहीं होगा। मान लो कोई नंबर मेरा 4 है, तो ये क्या 4 से डिविजिबल है, यस 4 × 1। कोई मेरा नंबर 8 है, तो 4 × 2, 12 है, तो 4 × 3, 16, तो 4 × 4। तो क्या मैं इसको 4 × m की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जो आपका डिविजिबल बाय 4 है। इट मीन्स ये जो आपका नंबर होगा, इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4, तो ये जो नंबर है मैं इसको 4m की फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। एम आप कुछ भी चूज कर सकते हो, आपका कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है। क्योंकि देखिए 4 क्या होता है, 4 × 1, 8, 4 × 2, 20, 4 × 5, तो क्या मैं इन सब नंबर्स को 4 × सम कांस्टेंट की फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। और एक बात और नोट कर लो कि यहाँ जो मेरा एम है, देखो सब में क्या रहा है, एम की वैल्यू यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, सो यहां जो आपका m है, m क्या है मेरा, एक नेचुरल नंबर है, वेयर m इज एन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये मेरा पूरा, तो मार्क दिस एज इक्वेशन 1। अब थर्ड स्टेप क्या होता है आपका, वही मैं लिख नहीं रहा उसको, वी सेल नाउ प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर pk+1 या फिर n = k+1, ठीक है। तो फिर मेरा ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, 7k+1-3k+1 इज डिविजिबल बाय 4। अब सेम वही बात है, अगर ये डिविजिबल बाय 4 है, तो मैं इसको 4 × d की फॉर्म में लिख सकता हूँ, 4 × कुछ कांस्टेंट। अब यहां मैंने d क्यों लिया है, अभी समझाओगे आप जब मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा तब, 4 × d,
ठीक है। अब डिग्री से आप चाहो तो यहाँ पी ले लो, यहाँ क्यू ले लो, आर ले लो, एस ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, जो आपका मन करे। ये आपका एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, तो मुझे अब क्या करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ आपका एल एच एस क्या है, मेरा एल एच एस इज 7k प्लस 1 माइनस 3k प्लस 1, यही है। अब मुझे इस इक्वेशन का यूज करना है ना, इसमें मैं यही तो करता हूं। अभी तो जो आपने पिछले क्वेश्चंस किए थे वहां लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ये यहां से जो आपकी इक्वेशन बनी थी मैंने उसका यूज किया था, तो मुझे यहां भी उसका यूज करना है। तो मैं इसका यूज डायरेक्टली नहीं कर पा रहा हूं, कहीं आपको बनता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं बनता हुआ दिख रहा है। तो मैं इसमें जबरदस्ती बनाऊंगा, इसको जबरदस्ती मैं बनाऊंगा इसमें। देखिए कैसे बनाओगे फिर। तो ये 7k प्लस 1 है, तो मैं इसको 7k इंटू 7 लिख सकता हूं, डॉट का मतलब यहां पे मल्टीप्लाई होता है, माइनस 3k इंटू 3 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे 7k के आगे माइनस 3k भी चाहिए, तो मुझे यहां माइनस 3k चाहिए, तो बना दो फिर जबरदस्ती 7k की जगह माइनस 3k बना दो यहां पे आगे। अगर माइनस किया है तो आपको यहां पे ऐड भी करना पड़ेगा, क्या दिक्कत है, कर दो माइनस 3k, क्लियर। अब देखिए आगे, फिर अब 7k माइनस 3k मैंने बना दिया इसको जबरदस्ती, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, 4m लिख दूं, तो 4m प्लस 3 की पावर k इंटू 7 माइनस 3k डॉट 3। अब 7 को आप मल्टीप्लाई कर दो तो 7 4 जा 28m प्लस 7 3k माइनस 3 इंटू 3 की, ठीक है। अब 28m प्लस यहां से मैं 3 की पावर के कॉमन निकाल दूं तो अंदर मेरा बच जाएगा 7 माइनस 3, एंड 7 माइनस 3 इज, तो 28m प्लस 4 इंटू 3k। अब देखिए क्या मैं इन दोनों से 4 कॉमन निकाल सकता हूं, यस। तो 4 इंटू 7m प्लस 3 की पावर के, अब देखिए ये 4d की फॉर्म में आ गया कि नहीं आया, आ गया ना, ये मेरा 4d की फॉर्म में आ गया, 4 इंटू सम कांस्टेंट, सम नेचुरल नंबर। अभी मैं आपको देखिए, तो यहां देखिए, यहां जो मेरे d की वैल्यू है, d की वैल्यू कितनी है, मैंने अज्यूम क्या माना है, 7m प्लस 3 की पावर k माना है। अब जरा देखिए m क्या है, मेरा एक नेचुरल नंबर है, k क्या है, आपका एक नेचुरल नंबर है। तो अगर m और k नेचुरल नंबर है तो मेरा d भी क्या होगा, d विल ऑल्सो बी नेचुरल नंबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, चेक कर लो। मान लो 7 मेरा m की वैल्यू मान लो अगर 2 है तो नेचुरल नंबर है, प्लस 3 इंटू k, k नेचुरल नंबर मान लो आप 2 मान लो, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 7 टू जब 14 प्लस 9 23, तो 23 भी मेरा क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो देखिए यहाँ m आपका नेचुरल नंबर है, k आपका नेचुरल नंबर है, देयरफोर जो मेरा d है, d विल ऑल्सो बी ए नेचुरल नंबर। तो ये दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 4d, तो यही तो आपको प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था आपको कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस आर एच एस, ठीक है, क्लियर है। ये वाला मेंशन करना भी जरूरी हो जाता है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर होगा तभी तो आपका डिविजिबल होगा। देखो यहाँ पे मेरे सारे नंबर क्या आ रहे थे आपके मल्टीपल, ये सारे आपके नेचुरल नंबर आ रहे थे ना, तो यहाँ आपको ये मेंशन करना जरूरी हो जाता है कि 7m प्लस 3k भी मेरा क्या है, एक नेचुरल नंबर है, क्लियर है। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू आर एच एस हो गया, इट मीन्स आप यहाँ पे क्या लिख दोगे कि हेंस पी के प्लस 1 इज ट्रू व्हेन पी के इज ट्रू, क्लियर है, हो गया ये प्रूव। देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो दिस वाज योर एग्जांपल 4। तो आपके तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट तो सिंपल इक्वेशन वाला, सेकंड इनइक्वालिटी वाला, एंड थर्ड टाइप आपका ये वाला आता है, क्लियर है। कुछ नहीं था, सेम वही स्टेप्स थे आपके। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड मेरा ये आया, तो मुझे जबरदस्ती यहाँ पे आपको बनाना था, तो मैंने इसे बना दिया, ठीक है।
चलो इस पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो दिस इज योर एग्जांपल नंबर 6 ऑफ एनसीईआरटी। तो देखिए आपको ये प्रूव करना है कि 2 × 7 की पावर n + 3 × 5 की पावर n - 5 इज डिविजिबल बाय 24। तो फर्स्ट आप प्रिंसिपल स्टेटमेंट मान लोगे तो 2.7n + 3 पॉइंट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, -5 इज डिविजिबल बाय 24। तो ये आपका pn हो गया। इसके बाद आप n = 1 के लिए देखोगे तो चेक करो फॉर n = 1 तो ये 2.7 की पावर 1 मतलब 2 × 7 की पावर 1 + 3 × 5 की पावर 1 - 5 ये कितने इक्वल है? तो 2 × 7 = 14, 14 + 15, 15 - 5 = 10, 14 + 10 = 24 तो दिस इज इक्वल टू 24। तो 24 इज डिविजिबल बाय 24 तो यहां मैं क्या लिख दूंगा, हेंस P1 इज ट्रू। अब क्या अज्यूम करोगे, लेट्स अज्यूम इट इज ट्रू फॉर n = k वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखिए फिर मेरा प्रिंसिपल स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, ये 2 × 7 की पावर k + 3 × 5 की पावर k - 5 इज डिविजिबल बाय 24। अगर ये 24 से डिविजिबल है इट मीन्स ये क्या होगा, किसके इक्वल होगा, मेरा 24 × सम नेचुरल नंबर होगा। मैं आपको बता चुका हूं वेयर m इज नेचुरल नंबर, ठीक है। जैसे कि 24 क्या है, 4 × 6 क्लियर, 24 क्या है, 24 × 1 मान लो 48 है, 48 क्या 24 × 2 तो ये 24 × सम नेचुरल नंबर है, ये क्लियर है, 24 × नेचुरल नंबर। अब वी शैल नाउ प्रूव दैट दिस इज ट्रू फॉर n = k + 1। तो ये मेरा स्टेटमेंट बन जाएगा 2.7 × 7 3 × 5 की पावर k + 1 - 5 इज डिविजिबल बाय 24। सो अगर ये 24 से डिविजिबल है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3.5 की पावर k + 1 - 5 इज इक्वल टू 24 m। m किस का, मैं यहाँ दूसरा कॉन्स्टेंट मान लेता हूँ, ठीक है। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में 2.7 की पावर k + 1 + 3 × 5 की पावर k + 1 - 5 है। अब देखिए अब मुझे जबरदस्ती ये वाली इक्वेशन यूज करनी है इसमें। तो देखिए आपको क्या चाहिए, आपको 2 × 7 की पावर k चाहिए, बट मेरा यहाँ पे आ रहा है 2 × 7 की पावर k + 1 आ रहा है ना। तो मैं क्या करूंगा, एक 7 को अलग कर देता हूं, हो गया ये बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। इसको भी अलग अलग कर दो -5। अब आपको 2.7k की जगह क्या चाहिए, आपको 3.k चाहिए, -5 चाहिए, तो आप इसमें पुट कर डाल दो ये, आपको प्लस का 3.5k चाहिए इसके साथ और माइनस का 5 चाहिए, एंड बैलेंस करने के लिए आपको माइनस का 3.5k एंड प्लस 5, क्लियर है। इनटू 7 में तो ये मेरा है ही, प्लस 3.5k × 5 - 5। अब देखिए ये किसके इक्वल है, मेरा 24m के इक्वल है, -3.5k + 5 × 7 + 3.5k × 5 - 5। इसके बाद देखिए फिर तो 24 × 7m मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं -7 × 3 × 5 की पावर k + 7 × 5 = 35 +
3 इंटू 5 की पावर के माइनस 5। तो यहाँ देखिए 24 इंटू 7 एम माइनस, जाइए देखिए ये दोनों सेम है, तो यहां से अगर मैं 3 इंटू 5 की पावर के कॉमन निकाल लूं तो अंदर क्या रहेगा 7 और यहाँ पे 5, तो इन दोनों से मेरा क्या बन जाएगा 2 टाइम्स रह जाएगा ना, 2 टाइम्स इंटू 3 की पावर, 3 इंटू 5 की पावर के रह जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 35 माइनस 5 ये हो जाएगा मेरा प्लस 30। प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर चलिए आगे बढ़िए, तो 24 इंटू 7 एम माइनस 6 इंटू 5 की पावर के प्लस 30। तो 24 इंटू 7 एम माइनस, क्या मैं इन दोनों से 6 कॉमन निकाल सकता हूं? यस, तो अंदर रह जाएगा मेरा 5 की पावर के माइनस 5, ठीक है। तो 24 इंटू 7 एम माइनस 6 इंटू, अब ये देखिए 5 के माइनस 5, अगर मैं k की वैल्यू 1 पुट करता हूं, अगर मैं k की वैल्यू 1 तो नहीं पुट कर सकते क्योंकि आप ऑलरेडी मान चुके हो, अगर मैं k की वैल्यू 2 है मेरी, तो अगर ये 2 है तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 20, यस। अगर ये मेरा 3 है तो 125 माइनस 5 दैट इज 120। तो देखिए ये सारे क्या है, मेरा एक 4 का मल्टीपल है ना, 4 का मल्टीपल है, तो मैं इनको 4d लिख दूं। 120 भी आपको क्या है, 4 का मल्टीपल है, 4 इंटू 30, 20 भी क्या है मेरा 4 इंटू 5, तो ये जो 5 के माइनस 5 है दिस इज मल्टीपल ऑफ 4, तो इसको मैं लिख देता हूं 4d, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको मैंने 4d लिख दिया। अब 24 इंटू 7 एम माइनस 24d, अब आपको क्या चाहिए, आपको 24 चाहिए ना, तो 24 आ जाएगा मेरा 7 एम माइनस डी, तो 24 इसको आप कुछ और कांस्टेंट मान लो, क्या मानो, पी मान लो, चलो ठीक है 24 पी मान लो इसको। अब देखिए m क्या है मेरा, m इज ए नेचुरल नंबर, m आपका क्या नेचुरल नंबर है, d भी क्या है मेरा एक नेचुरल नंबर है, देयरफॉर 7m माइनस d, p इज इक्वल टू 7m माइनस d भी मेरा क्या होगा एक नेचुरल नंबर ही होगा, अगर ये नेचुरल नंबर होगा देयरफॉर जो आपका जो ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड आई है, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो इज डिविजिबल बाय 24, इज डिविजिबल बाय 24, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। यहां पे आप डी की जगह पी लिख लो, ठीक है, क्योंकि आपका एंड में पी में रिजल्ट आया है, क्लियर है। सो ये आपका हो गया प्रू, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसके बाद आपको मालूम है क्या करना है कि पी के प्लस वन इज ट्रू व्हेन पी के इज ट्रू, एंड लास्ट लाइन लिखोगे देयरफॉर बाय पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्लियर है बच्चों, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात था, आपको क्या ध्यान देना है, इट्स क्लियरली विजिबल या है ना, यस, आपको जबरदस्ती ये वाला बनाना है आपको इसके अंदर, ठीक है, मुझे जबरदस्ती इसमें आपको बनाना पड़ता है। तो बनाने के बाद यहाँ पे एक नई चीज ये आ गई थी कि यहाँ पे आपका 24 नहीं बन रहा था, तो मुझे 24 बनाना पड़ेगा ना, तो ये 5 के माइनस 5 बनाया मैंने पहले, तो ये आपका 4 से डिविजिबल होगा, 4 से मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा, तो इसको मैंने 4d लिख दिया, फिर 24d 24 मैंने कॉमन निकाल लिया एंड सो ऑन, ठीक है। सो दिस वाज योर एग्जांपल नंबर 6 ऑफ एनसीईआरटी। सो आई थिंक ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं इस वीडियो को, सो बाकी एग्जाम्पल्स अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो, अगर लाइक किया है तो एक लाइक तो बनता है ना दोस्तों, चलो ठीक है फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।